सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आगे का नया वीडियो साथ में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इस टाइप का आप देख सकते हो, जैसे हमने फेस स्मूथ किया है, लिप पे कलर किया है रेडनेस, और आप देख सकते हो मेरा आई साइट भी रेड है और बैकग्राउंड भी पूरी तरह से रेड है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा फोटो एडिट करना चाहते हो या फिर ऐसा भाई स्मूथ करना चाहते हो अपने फेस को, या फिर हेयर पे देख सकते हो ऑयल एडिटिंग है, ठीक है। तो ऐसा फोटो एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमारे चैनल पे जितने लोग भी नए हैं यार, तो प्लीज़ गाइस वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो है या फिर जो भी न्यू एंड फ्रेश वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। और आप लोग ऐसा ऐसा फोटो एडिट करते रहे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अदर किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते रहिए, और ढेर सारा व्यूज़ एंड लाइक आपको भी मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बिना देर के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं इसमें जो भी PNG स्टॉक्स यूज करूंगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और भाई प्रीसेट अगर मैं यूज़ करता हूँ तो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना एक फ़ोटो ले लेना है और उस फोटो को शेयर कर लेना है लाइटरूम ऐप में। तो जाइए आप लाइटरूम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो मैंने अपने फोटो को लाइटरूम ऐप में ओपन कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं लाइट्स पे, ठीक है। थोड़ा सा हम एक्सपोजर को इंक्रीज़ करेंगे और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और ये हाईलाइट को भी कम कर लेते हैं, थोड़ा सा शैडो को बढ़ा लेंगे। थोड़ा नहीं, आप पूरा बढ़ा सकते हो शैडो को, ठीक है। शैडो को आप जो वाइट है उसको भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ब्लैक को कम करेंगे, और शैडो को आप पूरी तरीके से बढ़ा देंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो इतना करने वाले से अब इसमें हम अभी नई चेंजेस करने वाले, पहले टेक्सचर पे आ जाते हैं। तो यार फोटो में टेक्सचर ज़्यादा था, टेक्सचर को कम कर लेंगे, थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ा लेंगे और डीजी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलो उसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो इतना करने वाले सब डिटेल पे आ जाएंगे। तो शार्पिंग को बढ़ाएंगे, रेडियस को कम कर लेंगे थोड़ा सा, और डिटेल को कम कर लेंगे, फिर मास्किंग को बढ़ाएंगे, नॉइस रिडक्शन को बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर डिटेल को थोड़ा सा कम कर देंगे, कंट्रास्ट को बढ़ा लेंगे और कलर नॉइस को बढ़ा लेंगे। और नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, डिटेल और स्मूथनेस, आप देख सकते हो नीचे आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो आप चाहो तो इन दोनों को पूरी तरीके से बढ़ा सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद से इन दोनों को आपको इनेबल कर देना, फिर कलर पे आ जाना और मिक्स पे क्लिक कर देना। सबसे पहले ग्रीन पे जाएंगे जिसका हम यू कम करेंगे, फिर हम जाएंगे स्काई ब्लू, उसका भी यू कम कर देंगे, फिर ऑरेंज पाएंगे, सेचुरेशन कम करेंगे और लुमिनियंस को बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हो हमारा फेस वाइट हो चुका है। फिर इसी प्रकार से हम थोड़ा सा हम रेड पे जाएंगे। तो चलो हम इसको करके रेड पे जाते हैं। तो रेड पे जाएंगे, ह्यू को कम करेंगे, सेचुरेशन को बढ़ाएंगे और लुमिनियंस को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे फेस पे आई साइड रेड हो गया और फेस वाइट हो चुका है, ठीक है। तो इतना करने से हम आ जाएंगे मास्किंग टूल यानी सिलेक्टिव टूल, ठीक है। तो आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको हमने लिप पे ब्रशेस करने हैं। जैसे मैंने ही ब्रश किया तो सिंपली आपको ऐसे ही करना है, और टिंट एंड सैचुरेशन को बढ़ा देना है ताकि अच्छी तरीके से आपके लिप पे कलर हो जाए। तो अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ऊपर आपको एक शेयर का आइकन दिख रहा है, उस शेयर वाला आइकन में क्लिक करना है और अपने फोटो को यहाँ से शेयर कर लेना है। तो यहाँ से आपको अपने फोटो को शेयर करना है ऑटोडेस्क स्केच बुक ऐप में, क्योंकि गाइस उस ऐप में हम लोग अपने फेस को स्मूथ करेंगे और अच्छी क्वालिटी का एक इमेज बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हमारा ऑटोडेस्क स्केच बुक ऐप ओपन हो रहा है, तो ओपन होने देते हैं। देखो ओपन हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसका भाई फेस स्मूथ करेंगे। तो टूल्स में आ जाएंगे और ये देखो ये भाई टूल्स ले लेना है इस ब्रश को, इस मजान ब्रिटिश ब्रश, और आप सेटिंग देख लो जितना है, इसको स्क्रीन शॉट लेकर रख लो और साइज़ को कम या ज़्यादा आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। तो आपको आराम आराम से ब्रशेस करने हैं। आपको अपने बालों पे बिल्कुल भी ब्रशेस नहीं करने हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पे ब्रशेस कर रहा हूँ, सिंपली आपको ऐसे ही ब्रश करना है। अगर आप अपने बालों पे ब्रश कर देते हो तो जो भाई क्या बोलते हैं ब्लैक है वो आपके फेस पे ऐड हो जाएगा, जो काफ़ी बेकार लगेगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी ब्रशेस नहीं करने हैं। तो आपको भाई साइज़ को छोटा या बड़ा करके हमेशा ब्रशेस करते रहना है, क्योंकि अगर आप बड़े साइज़ पे ब्रश करोगे तो आपका जो आई साइड है यहाँ पे आपको छोटा ब्रश लेना होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे आप बड़े साइज़ से ब्रश करोगे तो आपका फेस वहाँ पे ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो आपका टेक्सचर हो इधर उधर चला जाएगा। क्योंकि इसमें जब हम ब्रशेस करते हैं तो जो टेक्सचर होता है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इसका मतलब कि इस जगह का टेक्सचर उठ के दूसरे जगह चला जाता है, आप समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देखो जैसे मैं यहाँ पे ब्रशेस कर रहा हूँ, देखो जो ब्लैक साइड है मूछों के साइड में वो ब्लैक थोड़ा सा हमारे लिप की तरफ भी चला गया। तो आप समझ सकते हो जो टेक्सचर होता है वो गायब हो जाता है बिल्कुल पूरी तरीके से। अगर आप टेक्सचर के साथ फोटो एडिट करना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम उस पर भी वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फिलहाल देख सकते हो मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से थोड़ा सा फेस को स्मूथ कर दिया है, और थोड़ा हम लिप पर भी ब्रशेस कर लेंगे ताकि लिप अच्छी तरीके से दिखे। तो फिलहाल देख सकते हो अभी हमारा फेस स्मूथ हो चुका है। अब यहाँ से भी अपने फोटो को हम लोग शेयर करते हैं, क्योंकि हमें इसमें भी ज़्यादा कुछ चेंजेस अब करने नहीं है, क्योंकि फेस स्मूथ करना था।
अब इसके पास अपने फोटो को शेयर कर लेना स्नैपसीड ऐप में गाइस, ये भी आपको प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से आप जाइए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद से आपको नीचे देखिए टूल्स दिख रहा होगा, साइड में राइट साइड में एक टूल का ऑप्शन होगा, उस पर आपको आ जाना है। अब आ जाना है पोर्ट्रेट पे। पोर्ट्रेट पे आने वाले से गाइस आपको लेना है स्मूथ टू, आई क्लियरिटी पे जाएंगे, उसको पूरा माइनस कर देंगे, फेस स्पॉटलाइट को माइनस कर देंगे और स्किन स्मूथिंग को पूरा 100% कर देंगे। उसमें सिंपली सा डन कर लेंगे। शेयर के बगल में एक आइकन होगा, आप देख सकते हो, उस आइकन पर आपको क्लिक करना, व्यू एडिट पर क्लिक करना, पोर्ट्रेट पर क्लिक करना और बीच वाला जो ब्रश है उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इतना करने बस आपको इन्वर्ट कर देना है। अब आपको अपने फेस पे ब्रशेस करने हैं, तो जैसे आप फेस पे ब्रशेस करोगे तो आपके फोटो में थोड़ा सा टेक्सचर ऐड हो जाएगा, जो अभी हम थोड़ा सा टेक्सचर हट गया था, तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा टेक्सचर ऐड हो चुका है हमारे फोटो में। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपने गर्दन पे ब्रशेस नहीं किया था, स्मूथ नहीं किया था, तो आप लोग अच्छी तरीके से स्मूथ कर लीजिएगा। मैं वीडियो बनाने के लिए जल्दी जल्दी में गाइस उसको भूल गया, तो चलो थोड़ा सा हम उसका ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे। तो सिलेक्टिव टूल लेंगे और थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे ताकि उसमें एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल देख सकते हो इतना करने वास्ते आपको आ जाना है एक बार टूल्स में और लेंस ब्लर पे आ जाएंगे। तो आप चाहो तो ब्लर करना चाहो तो कर सकते हो। तो लेंस ब्लर में आएंगे, उसके बाद जो ये सर्कल है इसको पूरी तरीके से छोटा कर देंगे और इसको नीचे ला कर हम यहाँ पर रख देंगे। इतना करने वास्ते आपको फिर से व्यू एडिट्स में जाना है, व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है, लेंस ब्लर पे क्लिक करेंगे, फिर से ब्रश पे क्लिक कर देंगे। ब्रश पे क्लिक करने वास्ते आपको अपने बैकग्राउंड में ब्रशेस करना है, क्योंकि देखो बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस ऐड हो जाता है जब लोग हम लोग फोटो एडिट करते हैं, तो उस नॉइस को दूर करने के लिए हम लोग ब्रशेस करेंगे ताकि वो नॉइस दूर हो जाए। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हमारे फोटो में नॉइस ऐड हो चुका है। और गाइस अगर मेरे बैकग्राउंड में भी नॉइस आता होगा तो प्लीज़ गाइस आई एम सो सॉरी, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो गाइस आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रशेस कर लेना है, तो आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, जो नॉइस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको आज नीचे आपको चलो मैं कुछ टूल्स दिखा देता हूँ जो आपको फोटो एडिटिंग में बहुत सारा हेल्प्स करेंगे, ठीक है। तो देखो ऊपर एक ड्रामा का, पहले तो हम इसका एम्बियंस को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम इसका एम्बियंस इंक्रीज़ कर लें ताकि हमारे फेस पे थोड़ा सा रेडनेस ऐड हो जाए, जो काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। इसके पास आपको देखो एक ड्रामा का आइकन दिख रहा होगा, उस पर ड्रामा लिखा होगा, उस पर आ जाएंगे। तो आप देखो इधर बहुत सारा टूल्स आपको देखने को मिल जाएगा, आप चाहो तो इसमें से कोई एक आप यूज़ कर सकते हो जो अगर आपको पसंद हो, बट मैं ऐसे बिल्कुल बैक आ जाता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा टूल्स बता देता हूँ जो थोड़ा सा आप कर सकते हो। इसमें जाएंगे थोड़ा सा मीडियम टोन जो होता है उसको पूरी तरीके से कम कर देंगे और लो टोन से उस चाहो तो आप बढ़ा भी सकते हो, थोड़ा सा टेक्सचर ऐड हो जाता है हमारे फोटो में इसकी मदद से। तो हम इसको यहाँ पे बैक कर लेते हैं, फिर हम टूल्स में आ जाएंगे और आपको ये जो एच डी आर स्केप है इसको ले लेंगे। आप चाहो तो इसमें अपने फ़ोटो को ख़राब कर सकते हो, जो इंस्टाग्राम पर हम फोटो डालते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए, तो यहाँ से आप थोड़ा सा ख़राब कर सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं हम कर्व में यहाँ पे जो नीचे आएंगे तो हमारा फोटो जो होता है कूल हो जाता है, और अगर हम ऊपर के साइड जाते हैं हमारा जो फोटो वार्म हो जाता है। तो इसके में से आप कूल एंड वार्म भी एडिट कर सकते हो। तो हम चलो इसको बैक करके यहाँ से अपने फोटो को शेयर कर लेते हैं। तो जैसे हम देख सकते हो मैंने शेयर वाला आइकन में क्लिक किया था बट फिर भी रुक गया था, पता नहीं क्यों मेरा स्क्रीन। तो अब अपने फ़ोटो को हम शेयर कर लेंगे पिक्सआर्ट ऐप में। तो फिलहाल अभी हमारा पिक्सआर्ट ऐप ओपन हो रहा है, तो देख सो हमारा पिक्सआर्ट ऐप ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे ब्यूटी में, आई कलर में, ठीक है। आई कलर माने बस आपको यहाँ से इस लेंस को चूज कर लेना है और उस लेंस को आपको लेकर अपने आई में एडजस्ट करना है। तो फिलहाल देखो जैसे मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ और ऊपर इरेजर वाले आइकन में क्लिक करके उसको इरेज कर लेता हूँ। इसी प्रकार हम सेकेंड आईज पर भी क्लिक करेंगे और इसमें एडजस्ट कर देंगे और ऊपर एक इरेजर का आइकन होगा, इस इरेजर वाले आइकन में क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देंगे, ठीक है। उतना करने वाला सिंपली से आपको डन कर लेना है। डन करने वाला पूरा डन करके यहाँ इस वाले स्क्रीन पर जाना है, फिर आपको टूल्स में जाना है, एडजस्ट में जाना है और सेचुरेशन को बढ़ा देना है, और आप चाहो तो यू को जिस भी कलर में रखना चाहो रख सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे रेड रखता हूँ, उसके बस इन्वर्ट पर क्लिक कर लेना है। इन्वर्ट पर क्लिक करने के बाद से आपको अब ब्रशेस करना है, क्योंकि आप ब्रशेस करोगे तो आपका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। तो जैसे आप थंबनेल में देखा था या फिर मेरे फोटो में देखा था, मेरा बैकग्राउंड रेड था, तो आप यहां से उस फोटो को रेड बैकग्राउंड दे सकते हो। आप साइज को छोटा करके ब्रशेस कीजिएगा अगर अच्छी तरीके से ब्रशेस नहीं हो रहा होगा तो, क्योंकि जो अगर साइज आप बड़ा करके करोगे तो आपको देखो यहां कानों पे भी ब्रशेस नहीं हो पाएगा। तो गाइस आप लोग ऐसे ब्रशेस कर लीजिए। गाइस आया का मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँ क्योंकि गाइस अभी फ़िलहाल मौसम या फिर समय देखिए आप समझ सकते हो मुझे बहुत सारा काम है। तो प्लीज़ गाइस आया का वीडियो आप वॉइस ओवर अगर नहीं कर पाता हो तो आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक पर देख लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर। तब तक आप बैकग्राउंड म्यूजिक पर देखो यार।